बिहार के संग्राम का पहला चरण, सभी के लिए करो या मरो की स्थिति। 71 सीटों पर चुनाव प्रचार खत्म, बुधवार के मतदान की तैयारियां पूरी। इसी चरण में तय होगा राजद का भविष्य, तो नीतीश भाजपा की साख भी है दांव पर। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं राहुल सिंह। बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले चरण का मतदान बुधवार 28 अक्टूबर को होना है, इसलिए राज्य के 71 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार अभियान आज खत्म हो गया। राज्य के जिन 71 सीटों पर मतदान होना है वहां तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जहां तक चुनाव प्रचार का सवाल है तो पहले चरण में सत्तारूढ़ एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्री तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी ताकत झोंकी। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के अलावा गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रचार किया। पहले चरण में जिन 71 सीटों पर मतदान होना है उनमें पूर्व बिहार और सीमांचल के जिले शामिल हैं। इस चरण में जहां राजद का भविष्य तय होगा वहीं नीतीश कुमार और भाजपा की साख की भी अग्नि परीक्षा होगी। कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव में बहुत कुछ पहली बार होगा, इसलिए यह एक तरह से चुनाव आयोग और प्रशासन का भी लिटमस टेस्ट होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के परिदृश्य पर आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार आज शाम खत्म हो गया। राज्य के 16 जिलों की 71 सीटों के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होगा। इस चरण में नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों समेत कई दिग्गज मैदान में हैं। इनमें शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, कृषि मंत्री प्रेम कुमार, ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह, राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल, श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा, खनन मंत्री बृज किशोर बिंद और परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला शामिल हैं। इनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पूर्व मंत्री विजय प्रकाश, श्रेयसी सिंह, अनंत सिंह, राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया और भगवान सिंह कुशवाहा की राजनीतिक किस्मत भी 28 अक्टूबर को ईवीएम में कैद हो जाएगी। जहां तक उम्मीदवारों का सवाल है तो पहले चरण में राजद के 42, जदयू के 35 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनके अलावा भाजपा के 29, कांग्रेस के 21, माले के 8, हम के 6 और वीआईपी के 1 प्रत्याशी इस चरण में ताल ठोके हुए हैं। इसी प्रकार रालोसपा के 43, लोजपा के 42 और बसपा के 27 उम्मीदवार हैं। लोजपा के 42 उम्मीदवारों में 35 जदयू के खिलाफ हैं, वहीं 6 हम तथा 1 वीआईपी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। पहले चरण की इन सीटों में से अभी राजद के पास 25, जदयू के पास 23, भाजपा के पास 13, कांग्रेस के पास 8 और हम के पास 1 सीट है। पहले चरण में कुल 1064 उम्मीदवार हैं। इनमें से 30% से अधिक के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। पहले चरण के 244 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। कुल 375 प्रत्याशियों ने अपनी संपत्ति करोड़ों रुपए बताई है, जबकि 5 उम्मीदवारों ने शून्य संपत्ति घोषित की है। जहां तक पहले चरण के मुकाबले का सवाल है तो पहले चरण की 71 में से सबसे अधिक 25 सीटें राजद के पास है, इसलिए इस चरण में ही उनका भविष्य तय हो जाएगा। पिछले चुनाव में राजद को इन सीटों पर तब जीत मिली थी जब नीतीश कुमार भी उनके साथ थे। इस बार चुनावी परिदृश्य बिल्कुल बदला हुआ है, नीतीश अब एनडीए में है और इसके कारण इन क्षेत्रों में सत्तारूढ़ गठबंधन की भी अग्नि परीक्षा होगी। इन 71 सीटों में से 23 जदयू और 13 भाजपा के पास है, इस लिहाज से पहले चरण में एनडीए की चुनौती भी कम नहीं है। अगर जीतन राम मांझी की 1 सीट जोड़ दी जाए तो यह आंकड़ा 37 हो जाता है। इस लिहाज से एनडीए एक बड़ी ताकत के रूप में चुनौती पेश करेगा। वैसे तो 3 चरणों में होने वाले इस चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भाजपा के सामने साख बचाने की चुनौती है, लेकिन पहले चरण की सीटों पर यह चुनौती और भी बड़ी है। नीतीश कुमार 4 दशक लंबे अपने राजनीतिक करियर के सबसे कठिन दौर में हैं। उनके काम और सुशासन के तमाम दावों और वादों पर लगातार सवालिया निशान लग रहे हैं। यह संकट भाजपा के सामने भी है, क्योंकि 5 साल पहले के चुनाव में नीतीश कुमार को जमकर कोसने वाली भाजपा और उनके नेता अब उनके लिए ही वोट मांग रहे हैं। ऐसे में बिहार के मतदाताओं का सवाल है कि किसे सही माने। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार आज राजनीति के जिस मुकाम पर हैं, वह उन्हें वर्षों की मेहनत और संघर्ष से मिला है, लेकिन कोरोना संकट और उत्तर बिहार में बाढ़ के दौरान उनकी सरकार के कामकाज पर उंगली उठाई जा रही है। दूसरी तरफ लोजपा द्वारा मोर्चा खोल दिए जाने के कारण भी नीतीश खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। ऐसे में 15 साल के शासन के कारण पैदा हुई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और इस पर लोजपा की मोर्चाबंदी के बीच नीतीश एनडीए की नाव को कैसे पार लगा पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। जहां तक मुद्दों की बात है तो आमतौर पर जाति और समुदाय पर आधारित बिहार के चुनाव में पहली बार बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन गया है। हर दल नौकरी देने की बात कर रहा है। राजद ने सबसे पहले 10 लाख नौकरी देने की बात कही,
भाजपा नेताओं ने इस पर सवाल भी उठाए, फिर अपने घोषणा पत्र में भी 19 लाख नौकरी का वादा कर दिया। लोजपा ने भी रोजगार को अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है। कोरोना काल में यह पहला चुनाव होने जा रहा है, इसलिए इसमें चुनाव आयोग और प्रशासन का भी असली टेस्ट हो जाएगा। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को कोरोना संक्रमण के भय से मुक्त होकर वोट डालने के लिए बूथों तक लाना बड़ी चुनौती है। ऐसे में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि बिहार में पहले चरण में मतदान का प्रतिशत क्या रहता है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।